समझ में आ रहा है कि कठिनाई कितना हो रही है। हम सब जानते हैं एक दूसरे के विषय में, एक दूसरे के लिए कितना मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर जो कर दिया जाए कि 400 घंटा अगर लाल यादव के साथ में रहें और लाल यादव को कर दिया जाए कि आप लोग के बीच में लाल यादव रहें, तो रहने के लिए दोनों में से कोई कि हम सभी भाई बंधु माता बाप जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य का समय अभी बहुत बाकी है और आने वाला कल हम लोग के कठिन समय बीतने वाला है। इसलिए हम लोग अभी से ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा सजग हो जाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सिस्टम रूप तैयार कर लें, उतना ही ज़्यादा हम लोग को आने वाला समय आसान दिखेगा। हम सभी भाई बंधु के द्वारा वोटिंग देने के काम किया जाएगा, लेकिन जितने हम लोग उत्साह से साथ सभी भाई एकत्रित हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो भी भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी से अपने अपने बूथ पे अगर जितना हम लोग उत्साह दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। अपने अपने बूथ कमेटी बनाएं, अपने अपने वोटिंग के लिए कम से कम एक बूथ पर 15-20 भाई बंधु के एकत्रित करें, ताकि माताओं बहनों को घर से ला करके वोट दिलाने का काम करें। और विरोधियों को आज अपार खुशी है और हर्षोल्लास के साथ हम सभी भाई बंधु का एकत्रित हुए हैं, जो विगत कई वर्षों से हमारे बीच गार्जियन एक संध्यन के कारण बहुत दूर जा चुके हैं और दुश्मन लोग उनको बहुत दूर जाके रख चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी भाई बंधु एकत्रित होकर के दुश्मन जो षड्यंत्र रचा है, प्रोपेगेंडा जो फैलाया है, उनके कारण हमारे गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी अभी जो रांची में हैं, तो जितना जल्दी हम लोग घर से लाएंगे, हम तभी लाएंगे जब हम सब भाई एकत्रित होकर के 28 अक्टूबर 3 नवंबर 7 नवंबर को वोटिंग के द्वारा जवाब देने का काम जरूर आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आने वाला पीढ़ी का एक नौजवान जिसका नाम है तेजस्वी बाबू, हम सभी भाई बंधु मिलकर के उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और पिता समान अभिभावक रूप में रहने वाले गार्जियन, गरीब की आवाज देने वाले, अति पिछड़े की आवाज देने वाले जो व्यक्ति आज रांची में है, सरकार बनेगा बिहार में तभी वो अपने घर पे आएंगे।